केशव लिखता है सच्चा प्यार जिंदगी में कैसे मिलेगा। अब इस टाइटल का नाम रखेंगे प्यार के बारे में जानना सीखें, या जानने की कोशिश करें, या उसकी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश। चलिए हम बताते हैं आपको प्यार क्या है। प्यार देखो, पहले भी बोला है कि प्यार जो शब्द है, प्यार पाना होता है। प्यार पाना होता है, एक तरीके का शब्द ये होता है जो जाहिल और गवार लोग सोचते हैं ना कि इस लड़की से प्यार कर लिया बस, वो लड़की तुम्हें मिल जाना चाहिए। वो लड़की मिल गई तो कुछ दिन के बाद उसके साथ में रिश्ता भी टूट जाता है, उस लड़की का लाइफ खराब हो जाता है ना। इसीलिए कर्मों के अनुसार कभी लड़की धोखा देती है, कभी लड़के धोखा देता है, और इसमें फंसते हैं जो प्यार करते हैं। इसमें जो फंसते हैं प्यार करते हैं। अब रही बात इसका डिटेलिंग में फिर से दे देता हूं, हालांकि कई बार मैंने बताया है, आज भी बता रहा हूं मैं। प्यार कभी भी हो जाता है ना, ऐसा कैसे हो जाता है, हलवा है क्या है? प्यार ऐसे ही हो जाएगा? प्यार तुम्हारी जरूरत है। प्यार किसको कहते हैं, जो सच्चा प्यार किसको कहते हैं? तड़प, जिसके लिए आपकी तड़प होनी चाहिए, जिसके लिए आप सोचते हो, उसी के अंदर खो जाते हो और बेचैनी सा आ जाता है तुम्हारे अंदर, उससे बगैर रह नहीं सकते, इसे कहते हैं। और जिसमें जिसमें दिल से प्यार होगा, तड़प होगा, उसके अंदर गाली गलौज नहीं होगा, उसके अंदर दुनियादारी नहीं होगा। लड़का हो या लड़की एक दूसरे को संभालने में लगे रहेंगे कि कहीं मुझसे टूटिया ना हो जाए। लड़की ये सोचेगी, लड़का सोचेगा कहीं मुझसे ना हो जाए, है ना। तो एक दूसरे से सॉरी बोलते रहते हैं और बाद में बीच में कुछ बोलते रहेंगे, कुछ मुझसे गलती हो गया, तो उसको थोड़ा सा माइंड पे नहीं लेना। ये होता है सच्चा प्यार, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के अंदर ध्यान देना कि उसको किस बातों की कमी है। दिल से जो रिश्ते बनते हैं उसको निभाना बड़ा कठिन होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। दिल से जो रिश्ते बनते हैं उसे निभाना बड़ा कठिन होता है, और जो उसे निभा लिया तो उसकी जिंदगी सवर जाती है। दिल से जो रिश्ते बनते हैं उसके बीच में कभी माँ बाप नहीं मानते, कभी माँ बाप अगर आड़ी टेढ़ी हरकतें वाले होंगे तो कहीं किसी बाबा आबा से कुछ ना कुछ करा के लड़की को खिला देंगे या लड़के को खिला देंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे केसेस मेरे पास आते रहते हैं। जिसके अंदर तड़प होगा, जो सुबह शाम एक दूसरे के विषय में जानता है और समझता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है, अगर लड़की है, लड़की को अगर वहां कुछ तकलीफ हो तो लड़की के अंदर हलचल हो जाती है, उसे तकलीफ है, उसे कहते हैं तड़प। लड़की के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, क्रिएट होता है, तो लड़की के अंदर पता चल जाता है, लड़की को पता चल जाता है कि उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो एक दूसरे को मैसेज करते हैं। फिर बाद में वो क्लियर होता है कि भाई थोड़ा टेंशन में है लड़का या लड़की टेंशन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेके, इसे कहते हैं। और इसे निभाना और इसे साथ निभाना और पूरी जिंदगी काटना, अब इसमें एक जरूरत होती है स्वयं परम पिता परमेश्वर की, माता मातेश्वरी की, नारायण की, इनकी एक बहुत जरूरत होती है हर एक इंसान को लाइफ में। जब भी अगर सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा तड़प चाहिए, सच्ची भावनाओं से जुड़ने वाली जो तुम्हारे लाइफ में आनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी हो या पति हो, वो तो कृष्ण का करते रहो। कृष्ण का भक्ति करने वाला जो भी प्राणी होता है, कृष्ण की भक्ति करने वाला, कृष्ण की नाई शब्द उसके जुबान से निकलता है, पहली बात। और वो हमेशा मीठी बातें बोलेगा और वो कभी भी टूटिया नहीं निकालेगा, ठीक है। उसकी जिंदगी सवारने में महादेव माता नारायण काम करते हैं। अब आ जाते हैं ये पहला वाला प्यार। पहला वाला प्यार क्या होता है पता है तुम्हें? सुनना चाहते हो? चलो तुम्हारे स्टाइल में सुनाऊंगा मैं। चलो ये हो गया सत्य सत्य और असत्यता की बातें बता रहा हूं। सेकंड थिंग बताता हूं मैं, चलो थोड़ा सा मजा रहेगा, इंटरटेनमेंट रहेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब चलो मैं पहले वाले प्यार के विषय में बताता हूं, जो बोलते हैं मुझे प्यार हो गया है ना। इनमें भी बड़े अतरंगी टाइप के लोग होते हैं। लड़की को देखा नहीं प्यार हो गया, लार टपकने लगा। लड़की को देखा नहीं, लड़की की भी दिमाग काम नहीं करे, अरे यार ये गाड़ी है, बंगले हैं, मोटर है, इससे प्यार करना चाहिए। पहली बात, अगर आप दौलत देख के शादी करना चाहते हो या दौलत देखी किसी के पीछे पड़ते हो, तो ये समझ लेना तुम्हारे साथ में टाइम पास होगा। ये सत्य है या असत्य है, आप लोग डन करेंगे और इसमें आप कमेंट करके बताएंगे। पैसे वाले को देखकर अगर आप दुनियादारी करते हो, तो यह समझ लेना तुम्हारे साथ में टाइम पास होने वाला है।
कुछ लड़कियां हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसे ही हैं, लड़कों को भी प्यार हो जाता है, झोपड़पट्टी में रहते हैं और प्यार हो जाता है बिल्डिंग वालों से, है ना। सोच इतनी है और वो सोच बड़ी रखते हैं। पहली बात, प्यार करने का तरीका क्या होता पता है? अब मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या होता है, क्योंकि मुझे सभी बातों का मतलब कि डिटेलिंग अच्छी तरह से पता है। अगर तुम झोपड़े में रहते हो तो ऐसा नहीं है तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो, आदमी हो, अच्छे हो, नेचर वाइज अच्छे रखते हो तो अच्छे हो, सच्चा दिल से करोगे तो पा जाओगे। अगर लुखागिरी करोगे तो क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? लड़की अगर अपने माँ बाप को त्याग करके तुम्हारे पास आएगी तो क्या झोपड़पट्टी में रखोगे, चौल में रखोगे ना, चौल में रखोगे? तो उतनी औकात बनाओ, तुम्हारी कैपेसिटी कम है लेकिन कैपेसिटी अपनी बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए तो कैपेसिटी बनाने की कोशिश करो। अगर कोई लड़की तुम्हारे लाइफ में इंटर करती है या तुम्हें चाहती है तो ये सोचो कि उसको तकलीफ नहीं देना है, दुख नहीं देना है, समझ में आया? उसके जरूरतों को उससे बिना पूछे उसका पूरा करो। अगर जरूरतों को बिना पूछे अगर पूरा करते हैं तो वो तुम्हारे लाइफ में टिक सकता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें और होती हैं, नस्ल कहीं नहीं जाता, नस्ल समझते हैं, नस्ल, नेचर और नस्ल कहीं नहीं जाता। वो कितना भी बड़ा, एक कुत्ता भी अगर शेर बनने की कोशिश करेगा ना तो कुत्तेपन का निशानी दे देगा, ये ध्यान में रखना। या लड़की हो या लड़का, जस्ट लाइक ये आप सभी के बीच में रख रहा हूं क्योंकि मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं लेकिन ये 100% सत्य है और राइट है। आजकल के प्यार कैसे मालूम है? शायद लड़की करती होगी प्यार, लड़कियों को फोन करती है तो लड़का बोलता है अरे अभी टाइम नहीं, रुको ना, काम पे हूं मैं, बताता हूं मैं, ये होता है। अगर गलती से लड़के ने फोन कर दिया, लड़की नहीं उठा पाई, उसको, लड़कों को यह मालूम होना चाहिए लड़की के घर पे, लड़की के सर पे कितना जिम्मेदारी होती है। कभी भाई रहेगा साइड में, कभी बाप रहेगा, कभी माँ रहेगा, कभी रिश्तेदार रहेगा, और तुम साले फोन पे फोन किए जा रहे हो, माँ की आंख फोन नहीं उठा रही है, इसे छोड़ूंगा नहीं, फिर बाद में मैसेज डालेंगे यार, आज के बाद मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, खत्म। अब लड़की जो दिल से चाहती रहेगी वो सदमे में आ जाएगी, बोले ये कौन सी बात हो गई। अब लड़की समझाना भी चाहे तो भाई वो समझने वाला नहीं है क्योंकि वो नाग नहीं है ना, नाचेगा नहीं, वो साला बैल है, बैल और भैंस कभी नाचता है क्या, है ना। तो सब प्यार इनका खत्म हो जाता सिर्फ फोन नहीं उठने पे। मुझे हंसी आता है ये सोच के, हंसी आता है कि ये प्यार है, प्यार जो बोलते हैं हम प्यार करते हैं, स्वीट हार्ट में आपके बगैर जी नहीं सकता, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, मैं मर जाऊंगा, अरे ऐसी नौटंकी कहीं और जाके करो या चलो दुनिया को क्या सिखाने बैठे हो। अभी मैं ये प्यार का उदाहरण दे रहा था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने ऐसे प्यार करने वाले नालायक लोग होंगे ना, डूब के मर जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सत्य पर विजय हमेशा मिलती है, वो प्यार, आप चाहे आप रोड पे हो, चाहे झुपड़पट्टी में रहो, चाहे आप कहीं पे भी रहो, आई डोंट, बट आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वो लड़की चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबोंपति हो, चाहे लड़का चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का हो, अगर उनके ऊर्जाओं का सम्मेलन लिखा है, विधाता ने लिखा है, तो उसे एडजस्ट करके उसे मिला देगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। काफी लोगों ने यह सुना होगा ना, काफी लोगों ने यह सुना होगा, चलो आप लोगों से मैं आपकी ही विचार रख रहा हूं मैं, काफी लोगों ने यह सुना होगा कि लड़की करोड़पति है, लड़का झोपड़पट्टी में रहने वाला, पढ़ा लिखा है, एक जेंटलमैन जैसा लड़का है वो, मतलब सोची छोटी सोच नहीं रखता है, फिर भी लड़की अपने करोड़पति बाप को छोड़ के उस लड़के के साथ में आके रहती है। मालूम है क्यों? क्योंकि नमक रोटी भी मिलेगा तो भी खाऊंगी, रहूंगी इसी के साथ में, निभाऊंगी इसी के साथ में, है ना। तो लड़की अपने उस फैशन को छोड़ के इस फैशन में आ जाता, झोपड़पट्टी में रहने में काफी दिलचस्पी रखती है, ठीक है। और एक लड़की यह होती है कि भाई कामयाबी प्रॉपर नहीं है लेकिन कामयाबी चाहिए, अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है, हर एक लड़कियों को सोचना चाहिए,
कि उसे जीवन साथी अच्छा मिलना चाहिए, उसे संभाल सके, लेकिन इसे साथ साथ में आपको अपने विचार को चेंज करना पड़ेगा। विचार इसलिए चेंज करना पड़ेगा, कोई भी लड़का आपके लाइफ में आएगा तो आपके अंदर विचार क्या चलते हैं, यह कितना मेरे ऊपर खर्चा करता है, यह शॉपिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, अपना क्रेडिट कार्ड देगा कि नहीं देगा। तो ऐसी लड़कियां जिंदगी में अपने घर को नहीं बसा पाती, हमेशा क्रेडिट कार्ड ढूंढते रहेंगी। सुबह का नाश्ता किसी और लड़की के साथ में होगा, दोपहर का डिनर किसी और के साथ में होगा, रात का खाना किसी और के साथ में होगा। ऐसे माहौल आज भी चल रहे हैं, ठीक है। दिनेश्वर महाराज को यह मत सोचो कि यहां पे बैठा है और कुछ देख ही नहीं रहा है, हद हो गई यार, हमारी इसी पे सर्च है, इसी पे चलता हूं मैं, इसी पे चलता हूं, इसी को देखता हूं मैं। और मैंने काफी काफी लोगों को देखा है मैंने इस तरीके की हरकतें करते हुए, और मुझे भी शर्म आती है, इसलिए मैं आजकल उसे देखना ही भूल गया कि मतलब भाई छोड़ो तो जाना ही देखना। हमें किसी की लाइफ में घुसना हो तो एक सेकंड भी नहीं लगता, मैं घुस जाता हूं सीधा। बचपन से लेके जवानी तक तुमने कितने जन को लाइन मारा है, या तुम लड़का कितने जन को लाइन मारा है, वो कौन है कैसा है वो सब मालूम है मुझे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, जब मैं महाराज नहीं हुआ करता था, एक मेरा दोस्त था, डायरेक्टर था। आप सभी को मैं बता दूं, गोरेगांव में एक होटल है, रत्ना होटल, ठीक है, रत्ना होटल है। और वो लड़की इतनी चालाक थी कि इस बेचारे ने बहुत किया उस लड़की के लिए, लड़की प्रचलन थी, उसको ये नहीं मालूम उसे गुमराह करके रखा हुआ था। आप सभी को एक हकीकत घटना बता रहा हूं मैं, हकीकत घटने का एक बहुत बड़ा मुद्दा दे रहा हूं मैं। तो जो दोस्त था मेरा, तो रत्ना होटल में, और मैं उस समय शूट कर रहा था, इधर शूट कर रहा था मैं, फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, फिल्म सिटी में शूट कर रहा था। और उस बंदे ने, नाम मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसका नाम बता के फायदा नहीं है। तो उसने फोन किया कि बोले यार दिनेश जी, ऐसा है ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा मुझे जरूरत है, देना है मुझे कहीं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे दे दो। तो बोला ठीक है यार, इसमें प्लीज करने की क्या जरूरत है, मैं आता हूं देता हूं तुझे, टेंशन मत ले। अब वो लड़की ने उसे फोन करके बोला था, तुम यहां मिलो, यहां मिलो, यहां मिलो, वो दो घंटे से वो यहीं खड़ा था। उसके बाद जब मैं गया तो रत्ना होटल पे आया, तो मैंने बोला चल नाश्ता वाश्ता कर ले, नाश्ता किया, उसके बाद उसको जो पैसे देने थे मैंने दिया। लड़की फोन करती है और आ गई, और मेरा दिमाग जब खराब होता है, जब इस तरीके के गंदी नाली के कीड़े जब सामने आते हैं ना, तब मेरा दिमाग खराब होता है। अच्छे इंसान को परेशान कर देना ये उचित नहीं होता। तो उस दरमियान में ना तो मैं महाराज था ना बाबा था, एक अच्छा खासा सिनेमाटोग्राफर DOP, अब जैसे यहां पे शादी वादी में वीडियो शूट करने वाले को कैमरामैन बोलते हैं, हमारे यहां बोलते तो बेइज्जती हो जाती उसकी, इसलिए डायरेक्टर एंड फोटोग्राफी ये मैं करता था। वो आई और मेरे सामने उसे बहुत चिल्लाया, तू मेरे लायक नहीं है, तू ऐसा है वैसा है, तू तुझे यहां बुलाई थी तू आया नहीं। तो मैं सुना, मैं बोला हेलो सुनो मेरी बात, तमीज से बात करो, डायरेक्टर है ये, इसकी भी इज्जत है यहाँ पे रत्ना होटल पे, एनी टाइम हम लोग का मीटिंग होते रहता था। तो मैं बोला इज्जत भी है इसकी, ऐसा मत करो कि आप कुछ भी बोल दोगे। बोले तुम हो कौन, तुम मेरे बीच में क्या कर रहे हो, तुम हटो। अब मेरे मुंह से गालियां निकलना चालू हो गया क्योंकि मैं पहले से एक्टिव आदमी हूं, मैं गालियां देना, मां बनगी गालियां दिया, मतलब सुन रहे हुए, और मैंने गलत वर्ड बोला था जो बोलना सोशल साइट पे नहीं बोल सकता मैं। मैं बोला तू कितनी बड़ी सियाणी है मेरे को मालूम है, ठीक है मेरे को मालूम है। और उसको बोला, मैं बोला इससे तू इससे प्यार करता है, एक नंबर के हराम खो, और इसका तू गुलामी करता, तू तुझे पैसे चाहिए पैसे ले, तू टेंशन नहीं है, तू दोस्त है मेरा, तुझे संभालूंगा मैं, पर इस हराम खोर के चक्कर में तुम कहां से पड़ गया। तो बोलता है मतलब यार बुरा मान जाएगी, झगड़ा करिए। मतलब बुरा क्या मान जाएगी, चल एक पेपर पे होटल का नाम बताया, रूम का नाम बताया, और बताया जा वहां पे। तो उसका एक पुलिस वाला दोस्त था, पाटिल पाटिल करके दोस्त था, वो शिवराम है, ये भी लिख लो, वो शिवराम है आज भी वहां का, पता नहीं अभी PI है कि नहीं है मालूम नहीं, वो उसी के थ्रू मेरी भी दोस्ती हुई थी, वो अच्छा इंसान था। तो मैं बोला जा, नहीं मिलेगा ना तो मैं साले इस लाइन को छोड़ दूंगा, इस कौन से लाइन को, फिल्म लाइन को छोड़ दूंगा, दोबारा तेरे सामने आंख नहीं दिखाऊंगा या अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
और पुलिस वाले को बोला, पुलिस वाला फोन किया होटल वाले को, बोला आज का लिस्ट चाहिए मुझे, आज का लिस्ट चाहिए, इस नाम का कोई लड़की आई थी क्या? होटल वाले बता दिए, क्योंकि उनका काम है बताना, आईडी वगैरह सब सेंड कर दिया। उस दिन उसकी आंखें खुली और उसकी औकात हमने दिखाई। तो बोलने का मतलब यह है कि ऐसा जाति मत करो। आज भी मेरे पास केसेस आते हैं कि लड़की को हमने बहुत किया, पढ़ाई करवाया, उसे आगे लेकर गया, वो लड़की आज धोखा दे दिया मुझे, मैं जीने के लायक नहीं हूं। और दूसरा तो छोड़ दो, एक तो अभी भी रो रहा है, उधर ही पड़ा, क्या है याद है, शकल मैं दिखा उसकी, और सुबह सुबह उसका शकल देखता हूं तो मेरी खून खौल जाते हैं। हाँ, वही कारण है कि ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूं। आप ये बात समझने की कोशिश करें। और जब मैं जिद में आ जाता तो मैं किसी के बाप का नहीं, जिद में आ गया तो तुम नाम डिटेल की बात करो, तुम्हारे कीड़े गिन के बता दूंगा मैं ऐसा इंसान हूं। मैं अंधेरे में तीर नहीं मारता, मुझे जो भी तीर मारना है मैं सही से मारूंगा तीर, ठीक है? तो ये सब सारी चीजें होती है, इसलिए प्यार शब्द जो बोलता है ना, प्यार में तो प्यार करता हूं, लड़की छोड़ दी है मुझे, अरे लड़की कितनी मादरचोद होगी तुझे छोड़ दिया होगा, या लड़का कितना मादरचोद होगा तुझे छोड़ दिया होगा, मतलब प्यार नहीं है तुम में। प्यार होगा ना तो तंत्र काम करेगा, ना तो मंत्र काम करेगा, ना खिलाया काम करेगा, ना पिलाया काम करेगा। प्यार प्यार होता है, प्यार परमात्मा का बनाया हुआ एक नियम है, जो सच्चे दिल से प्यार करता है, जो अपने आप को सौंप देता है, धन मन तन सब दे देता है, सौंप देता है, वो तुम्हें धोखा देगा, वो धोखा देगा तुम्हें। तुम प्यार की बातें इस दिनेश्वर महाराज में बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पे ये सब मत बोला करो प्लीज, अगर बोलोगे तो अपने उल्टे मुंगी खाओगे, ठीक है? और मैं स्पष्ट रूप में बोलता हूं, मैं जो भी लड़का आता है मेरे से, मतलब जो भी इस तरीके की चीजें होती जो अच्छा लगता है मैं काम कर देता हूं, लड़की गलती है लड़के को चार गालियां देता हूं मैं, खुजली तुझे है तो तेरे खुजली को जैसे लड़की दूर गई है ना, या लड़की अगर बोलते तो लड़की को भी सुना देता हूं मैं, ये मत सोचो। वो चाहे मेरी अपनी बेटी हो, चाहे अपनी बहन हो, अगर वो गलत करती है तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तो तुम्हें कहां से छोड़ दूं मैं। यही है दिनेश्वर महाराज की एक अपना अपने तरीके का काम करने का स्टाइल है। अब जिसको जो करना है करे, बाकी प्यार का मामला शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा।